आज मेरे खेत में राहुल जी आए थे, उसके साथ भूपेश काका जी और टी एस सिंहदेव भी आए थे हमारे खेत में काम करने के लिए। हमारा बड़ा बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत खुशी हुई। आइए आइए। तब यूं पकड़ के भैया कितने नीचे से काटना है इसको? 4 इंच रहे, चार छह नीचे उतना फायदा। अच्छा, दूसरा भी ये दूसरे फसल की तैयारी के लिए भी सर, ये जितना नीचे दबाएंगे जुताई वगैरह करने में आसानी होता है। लगे रहिए। जा खुश हमारे राहुल भैया आगे थी, हमारे एकदम खुश लगा थे। राहुल भैया अच्छा है, बहुत ज्यादा मिल लेना चाहिए, ज्यादा ही। हाँ, बहुत इतना एक हाथ मत करिए। जीवन दिक्कत महंगा हो रहा है। आप चीफ मिनिस्टर से बोलिए ना, बघेल जी। जी सर, इनकी बात सुनिए जी। ये बीजेपी वाले कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल माटी तेल और जितना हमारे डीएपी यूरिया खातु है, एक कीमत भारत सरकार तय कर, है ना, केंद्र मोदी सरकार है, वही सब लोग बढ़ाए। धान कटाई करके आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। मजा आ रहा है ना, मेहनत का काम है ये। हाँ, तो मेहनत का काम है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, फसल भी नहीं होता है। इसको आप पकड़ती कहाँ से हैं? यहाँ से पकड़ती है, नीचे पकड़ना चाहिए, नीचे थोड़ा से ऊपर पकड़ना है, फिर नीचे से काटना है। यहाँ धान लुआ था तो कैसे लगा थे? अभी सीख रहा हूँ। लुआ था तो अच्छा लगा थे? अभी सीख रहा हूँ, अभी सीख रहा हूँ। 15 दिन में सीख? 15 दिन लगेगा। हाँ हाँ। देखो, जहाँ मैं काट रहा हूँ वो थोड़ा ऊंचा कट रहा है। हाँ। जहाँ आप काट रहे हो थोड़ा नीचा जा रहा है। हाँ। बीड़ा बांधेला हमन मल्ला सुने नहीं, छत्तीसगढ़ में रथन पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़। हाँ। है अब मैं बोला था तो समझा था? समझा था। हाँ। थोड़ा। अच्छा, मतलब भूमि कैसा है? मतलब भूमि समीक्षा योजना और मिला थे? तोर खेती है? अब हम अपने जरूरी चीज बच्ची खाता ही नहीं था। तो तोला मिला था भी 7,000? मिला थे तो ज़्यादा काम हो अच्छा हम दे। ओला ऊपर हाँ ना है? हाँ। अच्छा, आप ही ने उसको 6,000 में किया था, तो आपने 7,000 करवाया था। 10,000 से आपका फायदा होगा? हाँ। खुश हो जाओगी? पक्का? आ जाओ। आप में से मजदूरी कौन कर रहे हैं, किसान कौन है? ये किसान है। और आप सब किसान हो? हाँ। 20 क्विंटल करे थे कल, धन्यवाद। धान बच जाए से नहीं बेच पा रहे हैं। अभी जो 5 साल के अंतराल में ना जो धान के रेट बढ़ी ना, ऊपर से सब किसान जो जमीन बेचत रही ब्रेक होला, अनाज के सही उत्पादन मिली और इससे गांव में भी सीधा पैसा जाता है। हाँ, सीधा पैसा। मोर काका लगभग 5 लाख रुपया कर्जा माफ हुई सर। आपका? हाँ। तो खुश हो आप? बहुत खुश है, बहुत खुश। गोठान में कौन कौन जाता काम करते? क्या नाम? तो गोबर खरीदी होते वर्मी कंपोस्ट बनाया है? काले नहीं हन, बरसा निकाले रहन तो बिक गए। तुम्हारा कतक पैसा मिली? अभी झोंके हन 20,000। क्या 1-1 लाख पहुँचा एक झन? अच्छा, गोबर 20 लाख के गोबर खरीदी हो गए हैं, 31 लाख के पहुँचा गए। 1 लाख के गोबर बेचे हैं और 55,000 के गाड़ी मिला ले धान वाली। अभी जन योजना है तेकर लाभ मिला था तुम्हें? तीसरा किस्त मिल गए 28 सितम्बर खड़गे बटन दबाई आगे तुम्हारे खाता है ना। बघेल जी, ये किसान बहुत खुश है, मजदूर इतना खुश नहीं है, अगली बार इनका सोचना है थोड़ा। ये लोग भूमि श्रमिक का अभी आप 10,000 मांग रहे थे, 7,000 रुपए आ रहा है साल का, मगर इनका थोड़ा और करना, कुछ करना पड़ेगा। आज आप घोषणा कर दीजिए सर, 10,000 मांग रहे थे नहीं?
तुम्हार गांव के या तुम्हार जीवन के, तुम्हार घर के, तुम्हार लोग लेकर के कोई भी चीज सुझाव के रूप में, समस्या के रूप में है तो मुख्यमंत्री जी भी शर्माना नहीं है, मौका मिला आपको, छोड़ो मत। चिट फंड में डाल दे हां, 2 लाख लगा का और ये दे भाग के काका 2 लाख। ये आपने कैसे डाल दिया इसमें? 4 लाख हो जाए तो लड़का मन के शादी करे पर हो जाए इसी की के तहन डाल देन भैया उही में। आपका कितना गया? 1.5 लाख रुपया गया। हदा से नहीं मिले वो देवो की बोले है, अमित शाह घोषणा करी थी कि आज 1 रुपये नहीं आए। यहाँ पे किस किस ने चिट फंड में पैसा खोया है? सभी लोग डाल दिए भाई। आप सब ने खोया है पैसा? ये रमन सिंह के पूरे मंत्रिमंडल के लोग इसको खूब प्रमोट किए और सब लोग पैसा डाल दिए और चिट फंड कंपनी वाले पैसा लेके भाग गया। अभी इसी को जितने डायरेक्टर हैं, करीब 500 डायरेक्टर जेल में अभी, और उसकी संपत्ति को हम लोग कुर कराए कोर्ट के आदेश से, अभी तक 200 करोड़ रुपये हम लोग वापस कर चुके हैं। तो इसी के लिए मैं ईडी लिखा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बढ़िया उदाहरण है, तो इस केस को हाथ में क्यों नहीं लेते, उसको आप जांच करो। धन्यवाद आप वाला धन्यवाद।